सब्सक्राइब करें इंडिया रिएक्शन रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसको सोचकर ही मन दुख से भर जाता है और गुस्सा आता है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। रेप एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। इंडिया में कुछ ऐसे ही केसेस जैसे निर्भया, मुंबई का शक्ति मिल्स, कठुआ और अभी हाल का हैदराबाद का वेटनरी डॉक्टर का केस, जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है और सभी जगह इस तरह के केसेस में मौत की सजा की मांग उठी है। कुछ सांसदों ने भी इस तरह के अपराध में जनता के सामने सजा देने की मांग उठाई है। 2012 के निर्भया केस के बाद रेप के ऊपर नया कानून भी आया, फिर भी ऐसे अपराधों पर लगाम नहीं लग पाई। हैदराबाद के केस के बाद आरोपियों को एक महीने के अंदर ही सजाए मौत देने की मांग जोर शोर से उठ रही है और ऐसे अपराधों के लिए तो तुरंत ही सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 35% महिलाओं ने अपने जीवन काल में बलात्कार या यौन उत्पीड़न के किसी न किसी रूप का अनुभव किया है और इस तरह के केसेस में 10% से भी कम लोग शर्म, समाज और लोक लाज के डर से कानून की मदद ही लेते हैं। 90% केसेस में ऐसा पाया गया है कि बलात्कार करने वाला व्यक्ति पीड़िता का जानकार ही था। पिछले कुछ सालों में भारत की छवि विश्व में वुमेन के लिए सबसे खतरनाक देश के रूप में बनी है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने नागरिकों को इंडिया घूमने आने से पहले ये चेतावनी देते हैं। क्या ये सत्य है या फिर इन देशों ने इंडिया की छवि खराब करने का प्रोपेगेंडा रचा है? मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत देश में इस तरह के क्राइम नहीं होते, परंतु सच्चाई क्या है ये यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों से पता चलता है। तो आज देखते हैं कि आंकड़ों के आधार पर हाईएस्ट रेट ऑफ रेप वाले ऐसे कंट्रीज कौन कौन से हैं और पता करते हैं कि क्या इंडिया रेप और बलात्कार जैसे मामलों में नंबर एक देश है या फिर रियलिटी कुछ और ही है। ये आंकड़े प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर रेप क्राइम कितना है के आधार पर है। हाईएस्ट रेट ऑफ रेप वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट पर अगर हम नजर डालते हैं तो पता चलता है कि नंबर 10 पर ऑस्ट्रेलिया है। वही ऑस्ट्रेलिया जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और अपने टूरिस्ट को इंडिया आने से पहले ये चेतावनी देता है। वहाँ प्रति 1,00,000 लोगों पर करीब 28.6 इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स होते हैं। 9th नंबर पर करीबियन कंट्री ग्रेनेडा, 8th नंबर पर निकारागुआ और 7th नंबर पर कोस्टारिका आता है। 6th नंबर पर सुरीनाम जैसा देश आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया का नंबर कौन सा है। 5वें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन देश स्वीडन आता है, जिसका रेट ऑफ रेप प्रति 1,00,000 व्यक्ति पर 63.5 है। 4th नंबर पर बरमुडा, 3rd नंबर पर लेसेथो और 2nd नंबर पर बोत्सवाना आता है। तो क्या सच में भारत नंबर एक पर है? जी नहीं, नंबर एक पर है साउथ अफ्रीका, जहां विश्व का हाईएस्ट रेट ऑफ रेप है जो कि प्रति 1,00,000 पर 132.4 है। यह अनुमान लगाया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की 40% से अधिक महिलाएं अपने जीवन काल में बलात्कार की शिकार हुई होंगी और 9 में से केवल एक बलात्कार की रिपोर्ट की जाती है। यह भी अनुमान है कि सिर्फ 14% बलात्कार के आरोपियों को दक्षिण अफ्रीका में दोषी ठहराया जाता है। तो दोस्तों, फिर भारत किस नंबर पर आता है? जनाब, भारत से बहुत ऊपर 13th नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। वहाँ प्रति 1,00,000 लोगों पर करीब 27.3 इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स होते हैं और वहाँ 97% केसेस में दोषी को सजा नहीं मिलती और वो फ्री घूमते हैं। अब जानते हैं अपने देश भारत की, जहाँ प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में से 1.8 इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स होते हैं और इंडिया का नाम इस लिस्ट में 93 नंबर पर है। भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार 4th सबसे आम अपराध है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2013 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2012 में पूरे भारत में करीब 24,923 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 24,470 यानी कि 98% मामलों में किसी जानकार व्यक्ति का ही हाथ था। NCRB 2015 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बलात्कार की रिपोर्ट मध्य प्रदेश में दर्ज हुई है, जबकि अगर हम शहरों की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर में बलात्कार की सबसे ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसके बाद दिल्ली शहर का नाम आता है। मैं महिलाओं पर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार की भर्त्सना करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि रेप जैसे क्राइम के अगेंस्ट कड़े से कड़े कानून का प्रावधान करे और ये सुनिश्चित करे कि अपराधी को कम से कम समय में सजा मिले, जिससे इस तरह के अपराध करने वालों के दिल में डर बैठे और वो क्राइम करने से पहले 1,000 बार सोचे भविष्य में फिर कभी निर्भया, शक्ति मिल्स, कठुआ और हैदराबाद जैसे केसेस ना हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।